पंचम युद्धखंड प्रारंभ पहले अध्याय में त्रिपुरासुर वध की कथा में नारद जी बोले, अब तक तो हमने शिव जी का ग्रस्त धर्म, गणेश और स्कंद जी की सत्य कथा का उत्तम चरित्र सुना। अब आप हमें शिव जी का वह चरित्र सुनाने की कृपा कीजिए जिसमें उन्होंने दुष्ट दानवों का वध किया। माया विहारी शंकर के सभी सुखदायक चरित्रों को मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, एक समय व्यास जी ने सनत कुमार जी से यही बात पूछी थी, तब जो उन्होंने कहा था वही कथा मैं तुमसे कहता हूँ। सनत कुमार जी बोले, हे महाविद्वान व्यास जी, अब तुम शंकर जी के उस शुभ चरित्र को सुनो जिसमें कि एक ही बाण से उन्होंने त्रिपुर को भस्म कर दिया था। शिव पुत्र स्कंद द्वारा तारकासुर के मारे जाने पर उनके तीन दैत्य पुत्र पृथ्वी पर तपस्या करने लगे। उनमें तारकाक्ष श्रेष्ठ, विंदुनमाली मंझला और कमलाक्ष सबसे छोटा था। ये तीनों समान बली, जितेंद्रिय, बल तत्पर, संयमी, सत्यवादी, दृढ़चित्त, महावीर और देवद्रोही थे। इन तीनों ने अपने समर्थ मनोरथों और भोगों को भोगकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर बड़ा ही अद्भुत तप किया। तप करते करते उन्होंने अपनी देह को सुखा डाला। वे 100 वर्ष तक एक पांव से पृथ्वी पर खड़े होकर तप करते रहे। हजारों हजार वर्ष तक उन्होंने विविध प्रकार से कठिन तपस्या की। तब उनको इस प्रकार तप करते देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उन्हें वर देने के लिए आए और ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादैत्यो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वर मांगो। तो असुरों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और शनि शनि विचार करके कहा कि हे देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें सब प्राणियों से अवध्य कर दीजिए, हमारे जितने भी विघ्न हो उन्हें दूर कर दीजिए, ना हमें बुढ़ापा हो, ना कोई रोग लगे, ना किसी प्रकार हमारी मृत्यु ही हो, हम सब अजर अमर रहें और यदि हम चाहें तो त्रिलोकी का भी वध कर सकें। सनत कुमार जी कहते हैं, जब उन तपस्वियों ने इस प्रकार कहा तब उनके वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी अपने प्रभु गिरीश शंकर जी का स्मरण करके बोले, हे असुरो, अमृत त्याग और जो चाहो वर मांग लो, इस कार्य से निवृत्त हो जाओ, कोई भी प्राणी अजर अमर नहीं हो सकता, काल के भी काल हरि और शंकर भगवान के सिवा संसार में कोई भी अमर नहीं होता, अतः तुम सत्य गुण के आश्रय हो, मृत्यु में कोई कारण लगाकर वर मांगो जिससे तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाओ। तब ध्यान अवस्थित होकर उन्होंने एक मुहूर्त तक विचार कर गए पितामह से कहा कि हमारे पास कोई दृढ़ दुर्ग नहीं है जिसमें शत्रु ना प्रवेश कर सके, आप हमें ऐसा कोई सुरक्षित तीन पुर निर्माण करा दीजिए, उसमें धन संपत्ति के सुखदायक सभी साधनों के अतिरिक्त अस्त्र शस्त्र की भी सभी सामग्रियां उपलब्ध हों और जो किसी के भी ध्वस्त किए ध्वस्त ना हो, देव दानव कोई भी उसे तोड़ नहीं सके। ये कहकर तारकाक्ष ने अपने लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विंध्यवाली के लिए लोहे का पुर निर्माण कर देने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, परंतु शिवजी के हाथों ही तुम सब मारे जाओगे और अन्य कोई भी तुम्हें नहीं मार सकेगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने मैं को बुलाकर उन तीनों के लिए तीन पुर का निर्माण करने की आज्ञा दे दी। फिर अपने धाम द्यूलोक को चले गए। मैंने परिश्रम से तीनों पुरों का निर्माण किया। जिसने जैसा मांगा था उसे वैसा पुर मिला। एक आकाश में, एक स्वर्ग में, एक पृथ्वी में स्थित था। मैं वे तीनों पुर उन असुरों को देकर स्वयं भी उनके हित की इच्छा से वहीं पर निवास करने लगा। इस प्रकार तारक के वे तीनों महाबली पुत्र अपने अपने पुर में रहकर आनंद के भोग भोगने लगे। ब्रह्मा जी के वार से वे त्रिलोक्य को नष्ट कर महान राज्य करने लगे। तो व्यास जी बोले, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी के पुत्र, फिर क्या हुआ और देवता कैसे सुखी हुए ये मुझे बताइए। तो ब्रह्मा जी बोले, बुद्धिमान व्यास के इस वचन को सुनकर शिवजी के चरण कमल का ध्यान कर सनत कुमार जी ने कहा,
तब इस प्रकार त्रिपुरों के तेज से धक धोकर इंद्र आदि देवता दुखित होकर ब्रह्मा जी के पास गए, अपना सब कष्ट कहा, उनके वध की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने संतोष देकर शिव जी के पास जाने की आज्ञा दी। उन्हें बताया कि यदि शिव जी प्रसन्न न हो जाएं तो कार्य हो सकता है। तब दुखित देवता शिव जी के पास गए, नमस्कार करके बड़ी स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे हिरण्यगर्भ, हे सर्वव्यापक, आपको नमस्कार है। हे प्राणियों के संहार करता अमित तेजधारी, आपको नमस्कार है। हे निर्विकारी कांतिमान, महाभूतों के चिन्ह से रहित महात्मन, आपको नमस्कार है। हे शूलधारी संपूर्ण अस्त्रों के धारक, दैत्यों के महान संहर्ता पार्थिपति, आपको नमस्कार है। हे पार्थिनाथ परमात्मन महेश्वर और रुद्ररूपी नीलकंठ, आपको नमस्कार है। हे ईश, आप तपस्वियों के फलदाता, स्तुत और स्तुति से प्रसन्न होने वाले, आपको नमस्कार है। हे नाथ, ये सब देवता आपकी श्रेष्ठ विभूति हैं। आप देवों में इंद्र और ग्रहों में सूर्य हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, जब इस प्रकार शूलधारी परमेश्वर भगवान के इंद्र आदि देवताओं ने स्तुति की और ये कहा कि हे महादेव जी, तारक के पुत्रों ने हम सब इंद्र आदि देवताओं को पराजित कर दिया है, त्रिलोक को अपने वश में करके हमको नष्ट कर सारे संसार को उजाड़ दिया है। हे शंकर जी, जब तक त्रिपुरों का नाश नहीं होता तब तक आप शीघ्र किसी नीति का विधान कीजिए। तब इंद्र आदि देवताओं के इन वचनों को सुनकर उनके उत्तर में शिव जी ने कहा, शिव जी बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे कष्टों को जान रहा हूँ, परंतु क्या करूँ, त्रिपुरों के स्वामी अभी तक पुण्य आत्मा हैं, इस कारण वे मारे नहीं जा सकते। अभी दैत्य देवताओं में प्रबल हैं, तुमने जीत नहीं सकते। ये जानकर भी ध्रुव कैसे किया जाए, फिर मित्र ध्रुव तो और भी बड़ा पाप है। जब तक वे मेरे भक्त हैं मैं उन्हें नहीं मार सकता। तुम सभी धर्मज्ञ हो, धर्म से विचार करो। मेरी सम्मति है कि इसके लिए तुम लोग विष्णु जी के पास जाओ और वे जैसा कहें वैसा करो। तब ये सुनकर इंद्र आदि देवताओं ने पहले ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी अग्नि बन उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी के पास पहुंच देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने दुख का समस्त कारण शीघ्र विष्णु भगवान जी से निवेदन किया। विष्णु जी ने ये सब बातें सुनकर कहा, ये सत्य है, जहाँ पर सनातन धर्म हो वहाँ दुख नहीं होना चाहिए। सूर्य के दिखने पर अंधकार नहीं रहता। देवताओं ने कहा, अब हम क्या करें, हमारा दुख कैसे दूर होगा, हमारी किस प्रकार स्थिति होगी और हम कैसे सुखी होंगे। त्रिपुरों के रहते तो धर्म नहीं रह सकता, जैसे भी हो शीघ्र उनके वध का उपाय कीजिए, अन्यथा सब देवता अकाल में काल कवलित हो जाएंगे। तब देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर नारायण भगवान ने अपने मन में ये विचार किया कि मैं देवताओं का कार्य कैसे करूं, क्योंकि तारक के पुत्र तो शिव जी के भक्त हैं। समर्थ विष्णु जी ने यज्ञों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही यज्ञगण वहां तत्क्षण आ उपस्थित हुए। उन्होंने उन प्राण पुरुषोत्तम यज्ञपति विष्णु को नमस्कार करके प्रसन्नता प्राप्त की। तब उन्हें दिखाकर विष्णु जी ने इंद्र आदि से कहा कि हे देवताओं, तीनों जगत की भूति के लिए यज्ञ करो, यज्ञों से ही त्रिपुरों का विनाश होगा। सनत कुमार जी कहते हैं, अच्युत भगवान जी के ये वचन सुनकर उन्हें प्रेम से प्रणाम करके देवगण उन यज्ञेश का स्तवन करने लगे। सविधि चयन विधान किया। फिर तो उस यज्ञ कुंड से एक महान शरीर वाला शूल शक्तिधारी हजारों भूतों का समुदाय निकल पड़ा। तम अनेक प्रकार से युक्त नाना वेशधारी काल अग्नि रुद्र के समान तथा काल सूर्य के समान प्रकट हुए। उन भूतों से विष्णु जी ने कहा, हे भूतगणों, देव कार्य के लिए तुम लोग मेरी आज्ञा से शीघ्र त्रिपुर नगर को जाकर उन्हें नष्ट कराओ, इसी में तुम्हारी ख्याति है। विष्णु जी के इन वाक्यों को सुनकर वे भूतगण दैत्यों के त्रिपुर नगर में गए।
परंतु जो ही वे उनके पुर में प्रविष्ट हुए कि त्यों ही त्रिपुरों के तेज से वे भस्म हो गए। जो बचे थे विष्णु जी के पास भाग गए। उनका संहार सुनकर विष्णु जी चिंतित हो गए। उन्होंने देखा कि इंद्र आदि सभी देवता संतप्त हैं। वे विष्णु जी दैत्यो के पुत्र त्रय की जीत की चिंता से व्याप्त हो गए। उन्होंने कहा, कुछ भी हो, धर्मात्माओं का नाश नहीं हो सकता। अभी त्रिपुर धर्मात्मा है, उन्हें कौन मार सकता है? शिव का पूजक तो कैसा भी पापी हो, पापों से मुक्त हो जाता है। अतः जब तक रुद्र की पूजा नहीं होगी, तब तक कामनाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। लिंग पूजन से तो मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। वेद धर्म और शिव पूजन, ये दोनों नित्य कर्म जब तक हैं, तब तक त्रिपुरों का नाश नहीं हो सकता। ये विचार करके विष्णु जी ने उन तीनों असुरों से वेद धर्म और शिव अर्चन का विनाश करना ही उचित समझा। उन्हें देवताओं से कहा कि अब आप लोग अपने घर जाइए, मैं यथासाध्य आपकी सहायता करूंगा। नहीं होगा तो उन तीनों दैत्यों को रुद्र से विमुख कराकर उन्हें भस्म कर दूंगा। सनत कुमार जी कहते हैं कि उनकी आज्ञा मानकर देवता अपने धाम को आ गए। विष्णु जी उनके हित का विधान करने लगे। उसी सर्व पाप नाशक वृत्तांत को मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। अब अच्युत भगवान जी ने अपनी आत्मा से बड़े भारी तेज वाले माया में पुरुष को प्रकट किया, जिसका सिर मुंडा था और जो मलिन वस्त्र पहने, एक हाथ में काठ का पात्र और दूसरे हाथ में झाड़ू लिए उसे चला रहा था। वे अपने एक हाथ में खुला वस्त्र लिए, मुख में वस्त्र लपेटे, व्याकुल वाणी में धर्म ऐसा कहता हुआ मुनि रूप धारण किए विष्णु जी के आगे खड़ा हुआ। फिर बोला, हे अरिहन, मेरे लिए क्या आज्ञा है? वे आज्ञा मुझे शीघ्र दीजिए। मेरे क्या क्या नाम होंगे और स्थान क्या होगा? तब उनके ऐसे वचनों को सुनकर विष्णु जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे कहा, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। तुम मेरे अंग से उत्पन्न मेरा ही स्वरूप हो, तुम मेरे कार्य करने योग्य हो, इससे तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारा मुख्य नाम अहिरण होगा, इसके पीछे तुम्हारा एक और भी सुंदर नाम होगा जिसे मैं फिर कहूँगा। अभी तुम्हारे समक्ष जो कार्य है उसे करो, तुम बड़े मायावी हो। अतः तुम 16,000 श्लोकों वाले एक ऐसे शास्त्र का निर्माण करो जो वर्ण आश्रम धर्म विवर्जित हो। इसमें अभ्रंश शब्द तो भरे ही हों और कर्म विवाद भी वर्णित हो। इसके लिए मैं अपनी माया को तुम्हारे साथ करके ये सामर्थ्य देता हूँ कि तुम उसका निर्माण करो। परमात्मा विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर उस मुंडी ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, हे जनार्दन, मुझे क्या करना है इसके लिए शीघ्र आज्ञा दीजिए। आपकी आज्ञा से मैं अवश्य सफल होऊंगा। ऐसा सुनकर विष्णु जी ने उस मायामय को वह शास्त्र पढ़ा दिया जिसमें स्वर्ग नरक यही है, अन्य कहीं नहीं है। फिर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके विष्णु जी ने कहा, बस इसी विधान से तुम सब दैत्यों का सम्मोहन कर लो। तुम उनके पास जाकर यही शास्त्र पढ़ाओ, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। तुम्हारे इस प्रकार करने से त्रिपुरों में तमोगुण का प्रकाश होगा, जिससे वह नष्ट हो जाएंगे। मेरी आज्ञा से तुम्हारे इस धर्म का विस्तार होगा तथा तुम्हें मेरी गति प्राप्त होगी। वहाँ से फिर मरुस्थल में जाकर तुम कलयुग के आने तक अपने धर्म में नियत रहकर निवास करना, और जब कलयुग आ जाएगा तब अपने धर्म का प्रकाश करके अनेक प्रशिष्यों के साथ अपने धर्म का प्रचार करना। ऐसा कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात मुंडी ने भगवान जी की आज्ञा से अपने बहुत से शिष्य बनाए और उनको वहीं माया में अपना शास्त्र पढ़ाया। अब उसके 4 शिष्य हो गए। भगवान जी ने उनसे भी वह कहा जो पहले वाले से कहा था, तो शिव आज्ञा से वे भी अपने गुरु के समान ही मलिन वस्त्र धारण करके अल्पभाषी बनकर उसका लाभ रूपी तत्व लेने लगे। उन चारों ने पाखंड धर्म अपनाया, हाथ में पात्र लेकर नाक पर कपड़ा लपेटकर इधर उधर विचरने लगे। उन्होंने अपने हाथ में छोटे वस्त्रों से बनी हुई बुहारी ले ली और जीव हिंसा के भय से धीरे धीरे पैर रखकर चलना आरंभ किया।
भगवान जी ने पकड़कर उन्हें उनके गुरु के हवाले किया, फिर पहले वाले का आदि रूप नाम रखा तथा उन चारों का कृषि, पति, कार्य और उपाध्याय नामकरण कर दिया। फिर ये भी कह दिया कि अब से तुम सर्दा मेरे अरिहन नामक शुभ और शत्रुनाश नाम को ध्यान में रखना। सनत कुमार जी कहते हैं, इसके पश्चात उस मायावी ने प्रणाम करके शिष्यों सहित शीघ्र त्रिपुर नगर को प्रस्थान किया। वहां जाकर उसने शीघ्र ही अपनी कृषि माया फैला दी और बालकों को मोहित कर लिया, परंतु शिवजी के प्रभाव से त्रिपुर में उनकी माया सहज ही नहीं फैल सकी। इससे वे अति व्याकुल हो गए। उन्होंने विष्णु जी का स्मरण किया, विष्णु जी ने शिव जी का स्मरण किया, फिर उनकी आज्ञा पाकर उन्हें नारद जी को स्मरण किया। नारद जी आ उपस्थित हुए, उनसे विष्णु जी ने त्रिपुरों के नगर में जाने का ये आदेश दिया कि तुम इन ऋषि शिष्यों सहित वहां जाकर वहां के निवासियों को मोहित करके देव कार्य करो। नारद जी त्रिपुरों के नगर को गए, मायावियों के गुरु उस ऋषि से मिले, उन्होंने उस मायावी से दीक्षा ली, फिर शेम प्रश्न करते हुए त्रिपुरपति से मिले। राजा सी यतियों की धर्मपरायणता और वेद विद्या की संपन्नता कहकर उनकी प्रशंसा की और कहा कि यह धर्म सबसे उत्तम है, इसी से मैं इनसे दीक्षित हुआ हूँ। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी इसमें दीक्षित हो जाओ। ये सुनकर त्रिपुरा देश को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु मोहित होकर वह उस मुंडी से दीक्षित होने लगे। उसने उसे अपना गुरु बनाया। ये देखकर सभी त्रिपुरवासी उससे मुंडिया से दीक्षित हुए। सारा त्रिपुर उस मायावी के शिष्यों से अपूर्ण हो गया। व्यास से बोले, दत्तराज के दीक्षित एवं मोहित होने पर उस मायावी पुरुष ने क्या कहा और दत्तराज ने क्या किया? तो सनत कुमार जी ने कहा, जब वह राजा दीक्षित हो गया तब उसने उससे अरिहन ने कहा, मेरा ज्ञान वेदांत का सार है, ये अनादिकाल से चला आता है, इसमें कर्ता कर्म नहीं है, ये आप ही प्रकट होकर आप ही लीन हो जाता है, इसमें कर्ता कर्म नहीं है। आत्मा से लेकर स्तंभ तक जितने भी देह के बंधन हैं सब में आत्मा ही एक ईश्वर है और इसमें अन्य कोई सामर्थ्यवान नहीं है। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये जो कुछ भी हैं सब एक अरिहन कहलाते हैं, समय आने पर सब लीन हो जाते हैं। आहार, मैथुन, निद्रा सब इस देह में समान है, सभी प्राणी समान हैं, किसी में कुछ विशेषता नहीं है, आत्मा एक ही है। मृत्यु से सभी को भय है, सभी शीरधारी समान हैं, इस कारण कभी किसी को हिंसा नहीं करनी चाहिए। जीव दया से बढ़कर पृथ्वी पर कोई धर्म नहीं है, एक जीव की रक्षा से त्रिलोकी की रक्षा हो जाती है। जैसे भी हो जीव रक्षा करे और किसी को मारे नहीं, अहिंसा ही परम धर्म है और पीड़ा देना ही महापाप है। अपराधहीन ही मोक्ष और अभिलक्षित भोजन ही स्वर्ग है। हिंसा से नरक होता है, चराचर त्रिलोकी में हिंसा के समान कोई पाप नहीं है। हिंसक नरक और अहिंसक स्वर्ग जाता है। दान बहुत है परंतु अभेदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। भयभीत को अभेदान, रोगी को औषधि, छात्र को विद्या और भूखे को अन्न देना, अन्न दान देना, ये चार प्रकार के दान मुख्य हैं। मणि, मंत्र और औषधि के प्रभाव को बिना विचारे ही नाम और अर्थ के उपार्जन के लिए प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करें। बहुत साधन की क्या आवश्यकता, सभी ओर के केवल 12 स्थानों की ही पूजा करें, यथा 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन और बुद्धि। प्राणियों को स्वर्ग और नरक नहीं है, यही है और कहीं नहीं है। सुख का नाम स्वर्ग और दुख का नाम नरक है। सुख पूर्वक मरना ही मोक्ष है। यदि वासना सहित क्लेशों का नाश हो जाए तो उस अज्ञान की निवृत्ति को ही मोक्ष जाने। यज्ञों में पशुवाद ब्रह्म है,
और यह असंतों का ही मत है। ज्ञानी पशुवध नहीं मानता। अग्नि में तिल घी और पशु की आहुति कर सर्प की इच्छा करना बड़ी विचित्र बात है। इस प्रकार उस असुर नायक के लिए यतिराज ने अपना सिद्धांत कहकर फिर पुरवासियों को आदर से कहा कि प्रत्यक्ष अर्थ में ही निवास करना चाहिए, यदि एकमात्र सुख का साधन है, यदि यही वेद से परे की बात है, बौद्ध शास्त्रों में यही निर्दिष्ट है। आनंद ही ब्रह्म है और नाना तत्व कल्पना मिथ्या है। शरीर के स्वस्थ रहते ही सुख का साधन कर लेना चाहिए। बुढ़ापा आ जाएगी तो सुख का साधन क्या होगा? सुख की इच्छा वालों को तो अपना शरीर भी अर्पण कर देना चाहिए। ये देह शीघ्र नष्ट हो जाने वाली है, संचय भी क्षय होने वाला है। अतः ज्ञानी को चाहिए कि वह सुख का साधन करे। वेद भी सुख का साधन करने को कहता है। लोकों में जाति कल्पना व्यर्थ है, ऊंच नीच कुछ नहीं है। वृद्ध जनों का कहना है कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, जिनके दो पुत्र दक्ष और मरीचि हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप ने दक्ष की 13 कन्याओं का धर्म से विवाह किया। प्रजापति के मुख, बाहु, उरु, जंगा और चरण से 4 वर्ण उत्पन्न हुए। ये पूर्व पुरुषों की कल्पना है, ये बातें विचार से संगठित नहीं होती। यदि एक ही शरीर से उत्पन्न हुए तो उनके चारों पुत्र भिन्न भिन्न वर्ण वाले कैसे हो गए? इस प्रकार वर्ण अवर्ण का विभाग ठीक नहीं है। मनुष्य को कभी किसी प्रकार का भेद नहीं मानना चाहिए। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार उस यति ने पुरवासी राजा से भाषण करके वेद मार्ग को नष्ट किया। और पतिव्रताओं के व्रत तथा पुरुषों के जितेंद्रिय व्रत का भी खंडन किया। फिर धर्म, यज्ञ, तीर्थ और श्राद्ध आदि देवताओं के धर्म शास्त्र का खंडन करते हुए उसने विशेषकर शिवजी की पूजा का भी खंडन किया तथा इसी प्रकार उसने विष्णु, सूर्य और गणेश आदि की पूजा का भी निषेध किया। उसने अपने यहाँ के सब वेद धर्म दूर कर दिए और वहाँ की संपूर्ण स्त्रियाँ मोहित होकर यति धर्म के आश्रित हो गई। उन्होंने पति सुश्रेवा की मति को त्याग दिया और वशीकरण तथा आकर्षणी विद्या का अभ्यास करके पुरुष परदार भृत हो गई। अंतःपुर की स्त्रियाँ, राजकुमार, पुरवासी और पुर की सभी स्त्रियाँ इस प्रकार विमोहित हो गई। त्रिपुरवासी सभी अपने धर्म से प्रांगमुख हो गए। अधर्म फैल गया। फिर तो भगवान विष्णु की माया से अलक्ष्मी ने त्रिपुरों के घर में अपना वास नहीं बनाया और लक्ष्मी उन्हें त्याग कर चली गई। विष्णु जी द्वारा निर्मित उस बुद्धि को देखकर नारद जी कृतार्थ हो गए। दैत्यराज की बुद्धि कुंठित हो गई। शिव जी की इच्छा से राक्षस में अपने भाइयों सहित सामर्थ्यहीन हो गया। जब दैत्यराज मोहित हो गया तो व्यास जी ने पूछा, तब क्या हुआ? हे सनत कुमार जी, आप वह सब चरित्र आप मुझे सुनाइए। तो सनत कुमार जी कहने लगे, जब इस प्रकार उनके कहने पर दैत्यराज ने शिव वचन त्याग दिया और सारा स्त्री धर्म नष्ट हो गया, लोग दुराचार रत हो गए, तब भगवान विष्णु कृतार्थ होकर ये निवेदन करने कैलाश पर गए। वहाँ जाकर उन्होंने परमात्मा महेश्वर को नमस्कार किया, अनेक उपाधियों से युक्त उनकी बड़ी स्तुति की। तब तक ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र भी देवताओं को साथ लिए वहाँ जा पहुँचे और उन सब ने भी आदि पुरुष शंकर की आराधना की। तब उनके तप से प्रसन्न हुए भगवान शंकर वृषभ पर आरूढ़ होकर उनके सामने आए और नंदी का अपने हाथ से स्पर्श करते हुए देवताओं से बोले, मैं दैत्यों का अधर्म जान गया हूँ, इससे अब त्रिपुरों का विनाश कर दूंगा, परंतु अभी वे मन से मेरे दृढ़ भक्त हैं, उन्होंने माया से मोहित होकर उत्तम धर्म त्याग किया है। इस कारण उनमें जिन्होंने तो संपूर्णता त्याग दिया है उनका वध मैं करूंगा और अन्य को विष्णु जी मारेंगे। ये सुनकर विष्णु जी उदास हो गए। तब उन्हें उदास देख ब्रह्मा जी शिव जी से हाथ जोड़कर बोले कि हे भगवान, आप जैसे श्रेष्ठ योगी को तो
कोई पाप स्पर्श ही नहीं कर सकते, फिर अभी सभी को क्यों नहीं मारते हैं, तो विष्णु जी पर क्यों छोड़ते हैं? त्रिपुरों ने अब सर्था आपकी पूजा ही त्याग दी है। हम और ये विष्णु आदि आपकी प्रजा हैं, इस कारण आप सर्तोभाव से हमारी रक्षा कीजिए। हे सर्वेश्वर, ये सारा जगत आपका ही परिवार है। हरि आपके युवराज हैं, मैं आपका पुरोहित हूँ तथा इंद्र आपका आज्ञापालक राजकाज करने वाला है। अन्य देवता भी आप ही के वशवर्ती हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के ऐसे वचनों को सुनकर सुरपति परमेश्वर शंकर जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम मुझे सम्राट कैसे कहते हो? मेरे पास तो इसके योग्य कोई भी प्रकार नहीं है। ना तो मेरे पास कोई दिव्य रथ है, न वैसा साथी कि जिसे लेकर मैं संग्राम में चलूं, और जय करने वाला मेरे पास कोई धनुष बाण नहीं है, फिर मैं दैत्यों का वध कैसे करूंगा? ये सुनकर ब्रह्मा आदि देवताओं को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम करके कहा, आप युद्ध के लिए तैयार तो हों, हम सभी आपके रथ आदि रूप हो जाएंगे। ऐसा कहकर वे सब लोग हाथ जोड़े हुए शिव जी के सामने खड़े हो गए। सनत कुमार जी बोले, जब शरणागत वत्सल भगवान जी ने देवताओं की बात स्वीकार कर ली, तब उसी समय शिवा देवी अपने पुत्र को गोद में लिए वहाँ आ गई, जहाँ देवताओं सहित भगवान शंकर विद्यमान थे। तब पार्थिव को आते देव विष्णु आदि सभी देवता नम्र होकर उन्हें प्रणाम करने लगे और परम आश्चर्यचकित हुए। सभी ने सुलक्षण जय का शब्द उच्चारण किया और मौन धारण कर लिया। तब अद्भुत कौतूहल करने वाली देवी ने शंकर जी से अपने दोनों पुत्रों की ओर देखकर उनको प्यार करने का संकेत किया, और शंकर जी ने प्रसन्न होकर उनका मुख चुंबन किया। पश्चात सबको साथ ले अपने भवन में चले। बुद्धि संपन्न देवता भी साथ जाकर द्वार पर ही स्थित रहे। अब शिव जी के चले जाने से उनकी चिंता का अंत नहीं रहा। वे अपने को हतभागी मान दैत्यों के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। इतने में कुंभोदर नामक शिव जी के गणों ने आकर देवताओं पर अपनी लकड़ी का प्रहार कर दिया। देवता हाहाकार करके वहां से भाग चले। कोई मुनि गिरे, कोई देवता लुढ़क गए। इंद्र तो और व्याकुल होकर जंघों को टेक कर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर सब एकत्र होकर विष्णु के पास चले गए और भय हरि हरि से सब बात कही। कश्यप आदि ऋषि कहने लगे, अहो, प्रारब्ध का बड़ा विचित्र है। तब देवताओं को विष्णु जी ने बहुत सा आश्वासन दिया और कहा, सब ठीक होगा। शिव जी सब गणों के अध्यक्ष और परमेश्वर हैं, वे सहसा कैसे वश में होंगे? यदि तुम ओम नमः शिवाय कुरु कुरु इस मंत्र को 1 करोड़ जपो तो शिव जी तुम्हारा सब कार्य कर देंगे। जब विष्णु जी ने ऐसा कहा, तब फिर देवता शंकर जी की आराधना करने लगे। स्वयं विष्णु जी भी देवताओं का हित करने के लिए उक्त शिव मंत्र का जप करने लगे। जब विधि पूर्वक सबने 1 करोड़ मंत्र जप लिया, तब साक्षात शंकर जी ने फिर दर्शन दिए और कहा, मैं प्रसन्न हूँ, जो चाहो वर मांगो। तो देवताओं ने त्रिपुर संहार का वर मांगा। शिव जी ने कहा, मेरे लिए दिव्य रथ सारथी और धनुष मान लाओ। ये सुन देवता प्रसन्न हो विश्वकर्मा के पास गए। विष्णु जी की आज्ञा से विश्वकर्मा में संसार के हितार्थ शिव जी के लिए परम सुंदर देह में सब रथ आदि निर्माण कर दिया। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, आपने तो ये शंकर जी की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। आप कहिए कि विश्वकर्मा में शिव जी के लिए उस दिव्य रथ का कैसे कैसे निर्माण किया? सूर्य जी कहते हैं, जब मुनीश्वर व्यास जी ने ऐसा कहा, तब उनके वचनों को सुनकर शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके सनत कुमार जी कहने लगे, हे व्यास जी, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर कहता हूँ, सुनो। विश्वकर्मा ने रुद्र के लिए बड़ा ही दिव्य रथ तैयार किया। उसके समान किसी लोक में कोई रथ नहीं था, वह सर्वभूत में स्वर्ण का सर्वसम्मत था। उसके दाहिने पहिए में सूर्य, बाएं में चंद्रमा लगे हुए थे। वर्ष के 12 महीनों के 12 आरे तो उनकी दाहिनी ओर के पहिए में लगे थे, और षोडश कलाओं के 16 आरे उसकी दाईं ओर के पहिए में जुड़े हुए थे। 12 आरों के 12 आदित्य
और चंद्रमा की द्वादश कलाएं उनके बाएं ओर लगी हुई थी। इसी प्रकार वह रथ उदय अस्त से संपन्न पूर्ण ज्योतिष विद्या का भंडार था और सभी लोक लोकांतर उसमें निर्मित थे। ब्रह्मांड की जो कुछ भी वस्तुएं हैं वे सभी उस रथ में विद्यमान थी। ब्रह्मा और विष्णु की आज्ञा से विश्वकर्मा ने उसे बड़ा ही अद्भुत बनाया था। सनत कुमार जी बोले, जब इस प्रकार वह महादिव्य रूप रथ तैयार हो गया तब ब्रह्मा जी ने वेद रूपी घोड़े उसमें जोत कर शिव जी को उस पर चढ़ाया। युद्ध की सामग्रियां उसमें प्रस्तुत कर दी गई। ब्रह्मा विष्णु और लोकपालों ने स्तुति की। शिव जी अपने सारथी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, परंतु ज्यों ही शिव जी उस रथ पर चढ़े ही थे कि वेद संभव उनके चारों अश्व शिव के बल से पृथ्वी पर गिर पड़े। पृथ्वी सहित संपूर्ण पर्वत चलायमान हो गए और उनके भार सहन में शेष जी भी कंपित हो गए। तब धर्म विशेंद्र ने आकर रथ को उठाया और ब्रह्मा जी हाथ में चाबुक लेकर घोड़े को उठाए। ब्रह्मा जी के उठाने से वेद में घोड़े उठकर शिव जी सहित रथ को लिए हुए आकाश में जा लगे और कुछ भी विलंब नहीं हुआ। वे शीघ्र ही तीनों पुरों के सम्मुख जा पहुंचे। रथ में बैठे वेदगामी महेश्वर दानवों की ओर चले। उसी समय उन्होंने देवताओं से कहकर पशुओं का अधिपति नामक पद प्राप्त किया, जिससे वे असुरों को नष्ट करने में सफल हो सके। परंतु इससे देवताओं को बड़ी चिंता हुई। शिवजी ने कहा, चिंता नहीं करो, जो मेरे ये दिव्य पशुपत व्रत को करेगा उसका मोक्ष हो जाएगा। शिवजी पशुपति होकर कल्याणदायक हुए। देवता प्रसन्न होकर उनकी जय जयकार करने लगे। सब में प्रसन्नता व्याप्त होगी। उसी समय शंकर जी पार्वती जी को साथ लेकर त्रिपुर को मारने चले। समस्त देवता हाथी घोड़े सिंह रथ और वृषभ पर चढ़कर देवराज इंद्र के साथ हुए। हल बुछुंडी शाल और मूसल आदि समस्त आयुधों को उन्होंने उठा लिया। ब्रह्मा आदि भी अपने वाहनों पर चढ़कर उनके साथ चले। विष्णु आदि सभी देवता परम प्रकाशमान महेश्वर के आगे हुए। आकाश से सिद्ध चारण फूलों की वर्षा कर रहे थे। उसी समय शिव जी के असंख्य गण तीनों पुर में प्रवेश करने लगे, जिनकी गणना नहीं हो सकती। इसी समय पिनाक पानी महादेव ने अपने मन में चराचर को दग्ध कर डालने की इच्छा कर फिर उन्हें त्रिपुरों को जलाते क्या देर लगती। उनको रथ बाण गण और देवताओं की आवश्यकता की भी क्या आवश्यकता थी। उन पिनाकधारी के लिए दैत्यों के निमित्त युद्ध के लिए प्रयाण करना ही बड़े आश्चर्य की बात है। परंतु उनका उसका कारण है, उन्हें पापों का नाश करके त्रिलोकी में अपना यश विस्तार करना था। ऐसा करके उन्होंने मलिन आशय वाले दुष्टों के लिए बात स्पष्ट कर दी कि सब देवताओं में कोई विशेष नहीं, किंतु एक शंकर जी ही प्रधान है। सनत कुमार जी बोले, इस प्रकार युद्ध की सामग्रियों से युक्त होकर त्रिपुर वध के लिए शिवजी रथ पर आरूढ़ होकर धनुष चढ़ाकर वहां स्थित हुए। परंतु हजारों वर्ष तक वे वैसे ही आलीढ़ आसन से खड़े ही रह गए और उनका बाण नहीं चला, क्योंकि उधर गणेश जी एक अंगूठे के बल से खड़े होकर उसमें विघ्न करने लगे, जिससे शंकर का लक्ष्य त्रिपुरों के पूर्व में प्रविष्ट ना हो पाता था। इसके पश्चात उन्हें आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि जब तक आप गणेश जी की पूजा नहीं करेंगे तब तक त्रिपुर संहार नहीं कर सकेंगे। ये सुनते ही शंकर जी ने गणेश जी का पूजन किया। गणेश जी प्रसन्न हो गए, उनके मार्ग से हट गए। फिर तो पूज्य शंकर जी ने धनुष सजाकर उस पर बाण चढ़ाकर पाशुपत अस्त्र से संयुक्त करके त्रिपुर संहार की इच्छा की। उन्होंने निरादर से उसकी ओर देखा, देवताओं से भी शीघ्रता करने की प्रार्थना की। अभिलक्षित मुहूर्त भी आ गया, ज्याघात शब्द हुआ। शंकर जी ने अपना नाम सुना, उन्होंने असुरों से संभाषण किया। असुर निर्भय थे। शंकर जी को यह कब सह होता, उन्होंने तत्काल ही करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अपने उस बाणों को असुरों पर चला दिया। उन विष्णु में अग्निवत बाणों ने उड़कर त्रिपुर वासियों को दग्ध कर दिया। देवताओं सहित शिवजी के देखते देखते चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरे हुए दैत्यों के तीनों पुर भस्मात हो गए, एक साथ ही भूमि पर गिर पड़े।
सैकड़ों और हजारों हजार की संख्या में दैत्य भस्म हो गए। शिव जी की पूजा न करने से हाहाकार मच गया। जब भ्राताओं सहित तारकाक्ष भस्म होने लगा तो उसने भक्त वत्सल शंकर जी का स्मरण किया। फिर परम भक्ति से युक्त होकर उसने शंकर जी की ओर देखकर कहा, आए शिव, ये तो हम जानते ही हैं कि आप हमें भस्म किए बिना नहीं छोड़ेंगे, तथापि हम आपकी कृपा चाहते हैं, अतः आप हम पर प्रसन्न होइए, क्योंकि जो मृत्यु असुरों को दुर्लभ है वह हमें प्राप्त हुई है। अब हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि जन्म जन्मांतर में आप में ही लगी रहे। ऐसा कहकर वे दानव शिव जी की उस वन्नी में भस्म हो गए। शिव जी को आज्ञा से उस पुर में रहने वाले बालक वृद्ध सभी दानव जलकर क्षार हो गए। स्त्रियां अपने पतियों के कंठ में हाथ डाले, कोई सोती हुई, कोई परमत, कोई रति से भ्रांत हुई भस्म हो गई। एक अविनाशी विश्वकर्मा में नामक दैत्य को छोड़कर स्थावर जंगम सभी भस्म हो गए। पश्चात वे तीनों शिव जी की पूजा के प्रताप से फिर शिव जी के गण हो गए। व्यास जी बोले, हे शैव श्रेष्ठ, ब्रह्मा के महामंडित पुत्र, आप धन्य हैं। कृपा कर अब ये कहिए कि त्रिपुरों के नष्ट होने पर देवताओं ने क्या किया, मैं कहाँ चला गया और त्रिपुरपति कहाँ कहाँ चले गए। यदि ये शंभु कथा के आश्रय हों तो उसे भी सुनाइए। तो सूत जी कहते हैं, व्यास जी से ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी शिव जी के चरणों का स्मरण करके बोले, महाबुद्धिमान पराशर पुत्र व्यास जी, सुनिए, शंकर जी का चरित्र बड़े यादबुद्ध है। शिव जी द्वारा त्रिपुरवासियों का संहार होने पर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु प्रियंकर शंकर के उस रुद्र तेज के समक्ष किसी से सिर उठाते नहीं बनता था। इंद्र उपेंद्र आदि सभी देवता भगवान शंकर और हिमाचल की पुत्री पार्वती की ओर देखते ही नतमुख किए खड़े ही रह गए। तब देव सेना की इस भय आतुरता को देखकर ऋषियों से नहीं रहा गया और वे कुछ न कहकर भयंकर शंकर को प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा भी भयभीत होकर देवताओं सहित शंकर की स्तुति करने लगे। विष्णु जी भी बड़ी स्तुति की। सनत कुमार जी कहते हैं, जब ब्रह्मा आदि देवताओं ने इस प्रकार भगवान शंकर की बहुत सी स्तुति की तो लोगों के कल्याणकर्ता शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, वर मांगो। तब शिव जी के ऐसे वचन सुनते ही देवता प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, हे देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और कोई वर देना चाहते हैं तो हमें यही वर दीजिए कि हम देवताओं पर जब जब कोई संकट आवे आप हमारी सहायता के लिए प्रकट हो जाएं, हमारे दुखों का सरदा दुख दूर कर दें। जब ब्रह्मा विष्णु और देवताओं ने ऐसा कहा तो शिवजी ने प्रसन्न होकर तथास्तु, ऐसा ही होगा, मैं सदैव तुम्हारी अभिलाषाओं को पूर्ण करता रहूँगा। जो मेरे इस चरित्र को पढ़ेगा सुनेगा मैं उसके सभी मनोरथों को सिद्ध करूँगा। ऐसा कहकर शंकर जी ने देवताओं को अभिष्ट वर दिया। सनत कुमार जी बोले, तब शिवजी को प्रसन्न देखकर उनकी कृपा से बचा हुआ मैं दानव भी वहाँ पर आ गया और शंकर जी को तथा अन्य देवताओं को भी इसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा गदगद स्वर से हाथ जोड़कर शिवजी की ओर देखते हुए उनकी स्तुति करने लगा। फिर उसने कहा, हे भाव, आप मुझ पर भी प्रसन्न हों, मैं बहुत स्तुति नहीं जानता, केवल आपकी शरण आया हूँ, अतः आप मेरी भी रक्षा कीजिए। तो शंकर जी ने उससे भी वर मांगने को कहा, उसने भी उनकी भक्ति मांगी तो शिव जी ने तथास्तु कहकर उसे अपनी दृढ़ भक्ति दी। वह परमात्मा शंकर जी को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से वितल लोक में वास करने चला गया। पश्चात वे सब मुंडी भी वहाँ आए और शिव जी तथा विष्णु जी आदि सब देवताओं को प्रणाम करके अपने लिए आज्ञा मांगने लगे। शिव भक्ति नष्ट कर अपने दुष्कर्म पर पश्चाताप करने लगे। तब विष्णु जी ने उन मुंडियों से कहा कि तुम किसी प्रकार की चिंता नहीं करो, मैंने ये सारा चरित्र शिव जी की आज्ञा से किया है, इससे तुम भी शिव जी के दास और देव ऋषियों के हितकारी हो, तुम्हारी कुगति नहीं होगी। प्रत्युत कलयुग में जो मनुष्य तुम्हारे इस चलाए हुए मत को मानेंगे उन्हीं की कुगति होगी, इसमें संदेह नहीं है। अब हमारी आज्ञा से तुम सब मुंडी मरुभूमि में जाकर निवास करो। मुंडी मरुभूमि की ओर चले गए।
पश्चात सब देवताओं ने शंकर पार्वती सहित उनके गणों की सप्रेम पूजा की और वे युद्ध की सब सामग्रियों सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। देवता भी अपने स्थान में आकर शांति लाभ लेने लगी। जो मनुष्य शिव जी के इस चरित्र को पढ़ेगा सुनेगा वे सब कामनाओं को भूख कर अंतरे मोक्ष का भागी होगा। व्यास जी बोले, हे ब्राह्मण, हमने ये बात पहले सुनी है कि भगवान शंकर ने ही जलंधर का भी वध किया था। यदि ये सत्य है तो कृपा करके मुझे शंकर जी का वह चरित्र विस्तार पूर्वक सुनाइए। तसूत जी कहते हैं, जब व्यास जी ने उन महामुनि से इस प्रकार पूछा तो वाक्य विशारद सनत कुमार जी ने कहा, है मुनि, एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश में शंकर जी का दर्शन करने गए तो शंकर जी ने अपनी भक्ति की परीक्षा ली। उन जटाजूटधारी दिगंबर ने उनके मार्ग में ही अवरोध कर दिया। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गोरवर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटाधारे वैसे ही बैठे थे, तथापि उन शंकर जी को ना पहचान कर द्रुपदी इंद्र ने उनका नाम धाम आदि परिचय पूछा और कहा कि शंकर जी अपने स्थान पर ही हैं या कहीं गए हुए हैं। इस पर उन तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकी के ऐश्वर्य से गर्वित इंद्र कब चुप रहते। उन्होंने क्रोध करके तपस्वी से खुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ तो उत्तर क्यों नहीं देता? मैं अभी ही तुझे इस वज्र से मारता हूँ, फिर देखूंगा कि तुम द्रुमति की रक्षा कौन करता है। ऐसा कहकर क्रोध होकर इंद्र ने ज्यों ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही सदाशिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया। और विकराल नेत्र करके भगवान शंकर ने ज्यों ही उसे देखा त्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और तेज से जला दिया। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत नहीं रहा, परंतु ज्यों ही बृहस्पति ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा त्यों ही अपनी बुद्धि से उन्हें शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत करके बहुत सी स्तुति भी की। फिर इंद्र को भी शंकर जी के चरणों में गिराया और शिव जी से बृहस्पति ने कहा कि हे दीनानाथ, हे महादेव, अपना क्रोध रोककर इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के ये वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी में बोले कि हे बृहस्पति, मैं अपने नेत्रों से निकलते हुए क्रोध को कैसे रोकूं? बृहस्पति ने कहा, भगवान, भक्तों पर सदैव दया ही करनी चाहिए। भला आप भक्तवत्सल नाम तो सार्थक कीजिए, आप अपने इस तेज को कहीं अन्यत्र स्थापित करके इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है, इससे मैं अपने वर द्वारा तुम्हें जीव नाम से विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्रों की अग्नि जब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से ऐसा कहकर भगवान शंकर अपने माथे के अग्नि में नेत्र से निकले हुए तेज को अपने हाथ में लेकर शीर समुद्र में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति भय से मुक्त होकर परम सुखी हुए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी उन्हें जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, आपको नमस्कार है। आप कृपा करके आप ये कहिए कि जिस समय शिव जी ने अपने माथे का वह तेज शीर समुद्र में डाल दिया उस समय क्या हुआ? तो सनत कुमार जी बोले, हे तात, जब शिव जी ने अपना तेज शीर समुद्र में डाल दिया उस समय शीघ्र पालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर अत्यंत उच्च स्वर से संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संसार व्याकुल हो गया। लोकपालों के भी मन में व्याकुलता हुई। अधिक कहने से क्या है, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुमन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। समस्त देवता और मुनि व्याकुल होकर लोकपिता में ब्रह्मा जी की शरण में गए। सब ने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा, हे पिता में, ये तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है। हे महायोगिन, इसका नाश कीजिए। देवताओं की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर समुद्र के तट पर उस बालक को देखने के लिए आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आते देख उस बाल को उठा, उन्हें प्रणाम किया और पुनः उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र ही कहो
कि ये बालक किसका है। समुद्र ने विनम्र शब्दों में कहा, है भगवान, ये तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि ये गंगा सागर के संगम में प्रकट हुआ है। अतः हे जगत के पुत्र, आप इस बालक के जात कर्म आदि संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बतलाइए। तो सनत कुमार जी कहते हैं, इधर तो सागर ब्रह्मा जी से ऐसा कह रहा था, उधर सागर पुत्र ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने इतने जोर से ब्रह्मा जी का गला पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर उनके नेत्रों से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने दोनों हाथों से बल लगाकर अपना गला छुड़वाया और सागर से सादर कहा कि हे सागर, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ, सुनो। मेरे नेत्रों से जो ये जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। ये उत्पन्न होते ही तरुण हो गया है, इससे ये सब शास्त्रों का पारगामी, महाप्रकर्मी, महाधैर्यवान, महायोद्धा और रणधुर्मद होगा। ये युद्ध में कार्तिक के समान धीर, सर्वविजयी एवं संपत्तिशाली होगा। ये बालक सब दैत्यों का अधिपति और विष्णु को जानने वाला होगा तथा ये कहीं भी नहीं हारेगा। एक शंकर जी को छोड़कर ये सबसे अवध्य होगा और जहाँ से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशाली, सर्वांग सुंदरी और परम मनोहर मिष्टभाषिणी तथा शील की सागर होगी। सनत कुमार जी कहते हैं, सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने महर्षि शुक्र को बुलाकर उनके हाथों से उस बालक के दैत्य का राज्य अभिषेक कराया और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। फिर तो उस बालक को देखकर समुद्र बड़ा ही प्रसन्न हुए और उस समय साथ लेकर अपने घर गया। कितने ही उपाय से उसका पालन करके पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर उसकी वृंदा नामक कन्या से सविधि विवाह कर दिया। उनके विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। नद नदी और सब असुरों को बड़ा सुख हुआ। स्त्री सहित जलंधर शुक्राचार्य के प्रभाव को असुरों का राज्य करने लगा। सनत कुमार जी बोले, एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा सहित असुरों से सम्मानित होकर सभा में बैठा तो परम कांतिमान शुक्र जी वहां आ पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। तब गुरु जी को आया देखकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया और तेजस्वी भार्गव ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य आसन पर बिठाकर वे दैत्य भी यथास्थान बैठे और सागर पुत्र ने नम्रता से ये प्रश्न किया कि हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा, ये आप हमें बताइए। इस पर शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उनके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सब कथा कहकर ये बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देव रूप से राहु पीने लगा। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने ही राहु का सिर काट दिया। ये सुनते ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया, अपने घस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृतांत सुनाया और ये आज्ञा दी कि तुम शीघ्र इंद्रपुरी में जाकर उसे मेरी शरण लाओ। घस्मर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र इंद्र का सुधर्मा नामक सभा में जा पूछा और कहा, हे देवता अधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा कर तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहे तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण आ, अन्यथा हे सुरधम, तेरे लिए ये बड़ा भय होगा और मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य विध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब परतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण से मैंने उसके सब रत्न हरण किए हैं। मैं भी सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इसी प्रकार सागर के पहले पुत्र शंखासुर ने भी मेरी शत्रुता की थी। जिस पापी को मेरे छोटे भाई हरि ने मार डाला, अब समुद्र का ये दूसरा पुत्र है। इस कारण है दूत, तुम शीघ्र जाकर समुद्र मंथन का ये वृतांत उसे सुनाओ। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। उसे सुनते ही वे दैत्य मारे क्रोध के अपने होंठ फड़कनाने लगा
और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ कर दिया। फिर तो सब दिशाओं और पताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर युद्ध करने लगा। शीघ्र इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंखध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़कर देवता उनसे युद्ध करने लगे। भयानक मारकाट हो गई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने दल के मृतकों को फिर जिलाने लगे। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोण गुरु से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता भी कैसे जी जाते हैं। जिलाने वाली विद्या एक आप ही के पास है, फिर ये क्या बात है। इस पर शुक्र जी देवगुरु द्वारा द्रोण गुरु से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कहती। ये सुनकर जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया। शुक्र जी ने कहा, क्रुद्ध क्या होते हो, यदि शक्ति हो तो द्रोण गुरु को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर क्रुद्ध जलंधर शीघ्र द्रोण पर्वत के पास जा पहुंचा और एक परम वेग द्वारा अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोण को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। भगवान शंकर का तेज, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं। पश्चात वह सागर पुत्र युद्धांगन में आ बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब बृहस्पति जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखड़ा हुआ शून्य पाया। वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा, युद्ध बंद करो, जलंधर को अब नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो शिव जी का अपमान किया है ये उसी का फल है। ये सुन देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर अत्यंत व्याकुल हो इधर उधर भाग गए। सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुहाओं की शरण ली। जलंधर अपने शुंभ आदि वीर दैत्यों द्वारा भागे हुए इंद्र आदि की खोज कराने लगा और स्वयं भी मेरु आदि में उन्हें खोजने लगा। सनत कुमार जी कहते हैं, तब जलंधर को अपनी खोज में आते देख इंद्र आदि देवता वहां से भी भयकंपित होकर भाग चले। भागते भागते वे वैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुंचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी बड़ी स्तुति की। देवताओं की उन दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देखकर समुद्र कन्या लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया। उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सदा आपके प्रियार भक्ता हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसा मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्म धारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए शीघ्र युद्ध के उस स्थान पर जा पहुंचे जहाँ जलंधर विद्यमान था। विष्णु जी के तेज से दर्पित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित होकर दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को उस आंधी से पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर विष्णु जी को उद्दत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। बलशाली विष्णु के तेज से पुष्ट देवता दैत्यों से युद्ध करने लगे। इस पर जलंधर ने उत्तेजित होकर अपने और भी शूरवीरों को युद्ध के लिए प्रेरित किया। फिर तो 100,000 मौर्य, 100 धूम्र, 1,00,000 काली के असुर और कालक दोहार्द तथा कंक 100,000 आदि भी तत्क्षण ही उनकी आज्ञा से युद्धोन्मुख हो गए। शुभ और शुम इन दोनों महाबलियों ने उनका सेनापतित्व किया। चतुरंगनी सेना समन्वित सब कुशल दैत्य युद्ध करने लगे। दोनों ओर से गदाओं, बाणों और शूलों और पटियों आदि का भीषण प्रहार हुआ। मुनि और सिद्धों को भय देने वाले देवता और दानों में अत्यंत दारुण संग्राम उपस्थित हो गया।